नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी पंजाब कांग्रेस और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर गंभीर आरोप लगा रही है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का इस मामले में कहना है कि पीएम मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक हुई या फिर ये किसानों का गुस्सा था, इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्विटर पर कहा कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ था तभी से किसानों में बीजेपी और मोदी सरकार को लेकर गहरी नाराजगी है। किसान लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेता टिकैत ने कहा कि अब इस बात की जाँच होनी चाहिए कि क्या वाकई में पीएम की सुरक्षा में चूक हुई या फिर किसान मांगों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। टिकैत ने अपने ट्वीट में कहा कि बीजेपी पीएम की सुरक्षा में चूक के कारण वहां आयोजित होने वाली रैली को रद्द करने की बात कह रही है। वहीं दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री खाली कुर्सियों की बात कहकर पीएम के वहां से वापस लौटने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में इस बात की जांच जरूरी है कि वापसी सुरक्षा में चूक है या फिर किसानों का आक्रोश। गौरतलब है कि पीएम मोदी बुधवार को पंजाब दौरे पर थे। उन्हें करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करना था। इसके लिए उनका फिरोजपुर जाना प्रस्तावित था। सुबह पीएम मोदी बठिंडा पहुंचे थे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर पहुंचना था, लेकिन खराब विजिबिलिटी के चलते पीएम ने करीब 20 मिनट तक मौसम साफ होने का इंतजार किया। लेकिन जब मौसम साफ नहीं हुआ तो पीएम हुसैनीवाला के लिए पंजाब पुलिस के अफसरों की सहमति के बाद रवाना हो गए। हुसैनीवाला से करीब 30 किलोमीटर पहले कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को ब्लॉक किया हुआ था। ऐसे में पीएम मोदी को करीब 20 मिनट तक वहीं फंसे रहना पड़ा। इस तरीके से ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। इधर पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आने के बाद बीजेपी ने पंजाब सरकार पर कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।